बेंगलुरु में 1983 में सबर्बन रेलवे या लोकल ट्रेन की डिमांड शुरू हो गई थी और आखिर 37 साल बाद में बैंगलोर को गिफ्ट मिलने वाला है 18,600 करोड़ रुपीस की लोकल ट्रेन का। तो ये नेटवर्क क्या है, कैसा है, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, चलिए इन चीजों को समझते हैं। तीन चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे, बेंगलुरु सबर्बन रेलवे की हिस्ट्री, करंट प्लान और करंट स्टेटस यानी अभी इसके ग्राउंड वर्क पे क्या काम जारी है। वैसे दोस्तों 1963 में बेंगलुरु सिटी और विमानापुरा के बीच में कम्यूटर रेलवे सर्विस शुरू हो गई थी। उस समय बेंगलोर आज जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं था, उतना फैला हुआ नहीं था, इसलिए कई सारे HAL के एम्प्लॉयज यानी जो आज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हमारे देश की एक बड़ी कंपनी है, उनके सारे एम्प्लॉयज को ट्रैवल करने के लिए इस तरीके की कम्यूटर सर्विस शुरू की गई थी जो इंडियन रेलवे के ट्रैक्स पर ही चला करती थी। टाइम के साथ बेंगलोर तेजी से एक्सपांड हुआ और विमानापुरा जैसी जगह ऑलमोस्ट शहर का ही भाग बन गई। इसी तरीके से कई सारे सबर्ब्स एक्सपांशन के कारण धीरे धीरे सिटी का हिस्सा बनते गए। तब जाकर 1983 में प्रपोजल दिया गया कि तीन अलग रूट्स बनाए जाने चाहिए जो एक 58 किलोमीटर का रिंग रूट बनाएंगे, जिसके कारण कम्यूटर्स को बैंगलोर के हर एक सबर्ब से लेकर सिटी के बीच में पहुंचने के लिए कोई भी समस्या नहीं होगी। सदर्न रेलवे के सामने ये प्रपोजल दिया गया और इस पर कुछ ज्यादा काम हो नहीं पाया। साल 2007 में इस पर एक्चुअल में कुछ काम शुरू हुआ, एक सर्वे को ऑर्डर दिया गया और रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के अंतर्गत एक सर्वे किया गया जिसके रिजल्ट में 10 रूट्स बैंगलोर को फिलहाल नेसेसरी है ऐसा कहते हुए प्रपोजल सामने दे दिया गया। और फर्स्ट टाइम बेंगलुरु में सबर्बन सर्विस अगर बनती है तो वो कैसी होगी, इस बात की क्लैरिटी लोगों के सामने आई। अब दोस्तों एक चीज इसमें आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इन्हीं रूट्स के बदले अगर 2007 आ ही गया था तो मेट्रो लाइंस क्यों नहीं प्रपोज की गई और इसके बदले में जो हमारी पुरानी लोकल ट्रेन्स है उनका प्रपोजल क्यों सामने रखा गया। दरअसल दोस्तों सबर्बन या लोकल ट्रेन्स ज्यादा बेटर होती है लंबी दूरी की डिस्टेंस तय करने के लिए। मेट्रो सिस्टम इंटरसिटी ट्रैवल के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आज बेंगलुरु में जो सबर्बन सिस्टम डिजाइन हो रहा है वहाँ के डिस्टेंसेस 25 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में रखे गए हैं। साथ साथ इन पूरे लेंथ पर 10 से लेकर 20 स्टेशन ही मौजूद है, जो अगर आप वैसे इंडियन रेलवे से कंपेयर करो तो फिर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेट्रो के हिसाब से जितने स्टेशन हर कुछ डिस्टेंस में हमें देखने मिलते हैं वैसा इस सर्विस में नहीं रखा गया है। इसलिए इतने लंबे रूट पर मेट्रो सिस्टम ना ही इनएफिशिएंट होती लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी। इसके लिए लोकल ट्रेन्स या सबर्बन सर्विस एक बेटर सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आई और साथ साथ लोकल ट्रेन्स अगर चाहे तो इंडियन रेलवे के ट्रैक्स का भी इस्तेमाल कर सकती है अगर जरूरत पड़े तो। 2017 में ये जो 10 रूट्स प्रपोज किए गए थे उनमें से 4 रूट को इनिशियल अप्रूवल दिया गया। इसके अंदर KSR से लेकर देवनाहली, बयानापल्ली से लेकर चिका बनावरा, केंगरी से लेकर व्हाइट फील्ड और हिललगी से लेकर राजनगुंदे के बीच में। ये सारे रूट्स मिलकर 148 किलोमीटर की लेंथ बनाते हैं। 40 स्टेशन इन पूरे रूट्स में मौजूद होगी इंटरचेंजिंग स्टेशन को काउंट करते हुए। यहाँ पर कुछ सेक्शंस एलिवेटेड बनाए जाएंगे जबकि कुछ ग्राउंड लेवल पर। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि लोकल ट्रेन्स यानी एस्थेटिकली हमारे सामने जो पुरानी लोकल ट्रेन्स चलती है उनकी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन बेंगलुरु के सबर्बन सर्विस में जो लोकल ट्रेन्स यूज की जाएगी उसका रोलिंग स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली बाकी पूरे देश से अलग होगा। ये प्रॉपर एडवांस और मॉडर्न तरीके की ट्रेन्स होगी, इसमें ऑटोमेटेड डोर सिस्टम्स होंगे, इसका एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन जो भी कंप्यूटर फैसिलिटीज होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके की यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी और 80 से लेकर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन्स दौड़ पाएगी, इस हिसाब से ये डिजाइन होगी। साथ साथ मेट्रो ट्रेन से बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी ये हैंडल कर सकती है और इन्हें डाइवर्ट करना भी पॉसिबल होगा। एक बार जब ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है तो बेंगलुरु सिटी के आसपास जितने अभी टाउन्स डेवलप हुए हैं, जितनी सैटेलाइट सिटीज डेवलप हुई है, उनमें और बेंगलुरु के बीच में कम्यूट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मीडियम लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। बेंगलुरु की ट्रैफिक को इसके कारण बहुत बड़ी राहत मिलेगी और साथ साथ बेंगलुरु के वैसे दो सिस्टम्स होंगे अपने मेट्रो और सबर्बन रेलवेज के जो लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करेंगे। अगर इसके करंट स्टेटस की बात करें तो इस साल अक्टूबर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट में 7,438 करोड़ रुपीज का फंड अप्रूव किया जाएगा ऐसा तय कर दिया गया है, यानी इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग एलोकेट हो चुकी है। के राइड या फिर कर्नाटका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया है और इन्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रखा गया है। इस बॉडी ने इस काम को करने के लिए नए स्टाफ की हायरिंग,
सर्वेस, जियो टेक्निकल ग्राउंड वर्क, इन चीजों पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और ग्राउंड लेवल पर इन सारी चीजों पर काम जारी है। अभी फिलहाल डेट दी गई है 2026 की, जब पहले रेलवे सेक्शन को ओपन कर दिया जाएगा कम्यूटर्स के लिए। और बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत लंबे समय से डिमांडेड रेलवे सर्विस आखिर उन्हें मिल ही जाएगी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।